गाइस, आई एम डोरा क्वीन फ्रॉम डोरा क्वीन चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग, और इतने दिनों के बाद आप सभी से बात कर पा रही हूँ, इस वजह से मैं आज बहुत ही खुश हूँ। और इतने दिनों से मैं सिर्फ शॉर्ट्स ही अपलोड करी जा रही थी, कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। इसकी वजह है मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, और इनफैक्ट मंडे को भी है, और मंडे को वार्ड के एजुकेशन का एग्ज़ाम है, सो उतनी टेंशन नहीं है उस दिन को लेकर मुझे। सो मैं आज वीडियो बनाने बैठ गई हूँ, और मैं आज रिव्यू देने वाली हूँ डोरेमोन मूवी नोबिता ट्रेजर आइलैंड को लेकर। तो इस मूवी को देखने के बाद मैं वीडियो में यही बोलना चाहूँगी कि इस मूवी में बहुत ही सेंसरशिप की गई है, और शायद ये बात आप लोगों को बहुत बुरी लगी हो, लेकिन मूवी की जो एनिमेशन क्वालिटी थी वो बहुत ही ऑसम थी, स्टोरी लाइन भी एकदम झकास थी। और ये मूवी एक्चुअली बहुत 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 इमोशनल थी, जैसे कि डोरेमोन की ज़्यादातर मूवी होती है वैसी। और एंडिंग सीन जो था इस मूवी का, वो तो पूरा रुला देने वाला था, लेकिन मैं नहीं रोई। और अब मुझे आप लोगों से ये जानना है कि आप लोग इस मूवी को देखकर रोए क्या? अगर रोए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और डोरेमोन की हर मूवी की तरह भी इस मूवी में एक मैसेज छुपा हुआ था, और वो मैसेज था कि हम लोग हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हमारी जो प्रेजेंट है वो जीना ही भूल जाते हैं, हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल जाते हैं, हमारी फैमिली या फिर हमारे बच्चों की जो खुशी है वो हम भूल जाते हैं। और जो कि हुआ कैप्टन सिल्वर के साथ, यानी कि फ्लॉक के पापा के साथ, और वो अपनी फ्यूचर को लेकर इतने टेंस थे कि वो धरती को ही तबाह करने में तुले हुए थे, और अपने बच्चों की क्या मर्जी है वो भूल ही चुके थे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भूल चुके थे, और उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या राय है, वो सब भूल चुके थे। लेकिन बचपन से हमें एक ही बात सिखाया जाता है कि हमेशा प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट पे रहो, और यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। हमेशा अपने प्रेजेंट में जियो, हमेशा अपनी फैमिली के साथ मज़े करो, खुश रहो, और जो कि बाद में कैप्टन सिल्वर रियलाइज़ करते हैं और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं, और हैप्पी एंडिंग यहाँ होती है। लेकिन एंडिंग में जो पीछे बैकग्राउंड सॉन्ग चल रहा था ना, जो गाना चल रहा था ना, वो पूरा रुला देने वाला था, और मुझे वो गाना बहुत ही अच्छी लगी। और अगर मुझसे पूछी जाए कि इस मूवी की बेस्ट सीन कौन सी है, तो मैं एक ही बात बोलूँगी, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को बचाने के लिए जाता है, वो अपना सारा डर, अपना सारा नर्वसनेस भूल कर सिर्फ डोरेमोन को कैसे बचाया जाए उसके बारे में सोचता है। फिर वो बचाने के लिए जब जाता है, उसके साथ शिज़ुका भी जाती है, और फिर वो दोनों बचा लेते हैं। और जो सबमरीन थी मूवी में, जो कि आइलैंड की रूप भी ले सकती थी और रॉकेट की तरह उड़ भी सकती थी, और मूवी में तो हमें ये भी दिखाया गया था कि उस सबमरीन में कितने सारे लोग रहते हैं, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो सबमरीन शायद का पूरी तरह से मजबूत हो कि, और वो सबमरीन बहुत बहुत एडवांस थी, और हमें ये मूवी से ही पता चलता है, क्योंकि डोरेमोन जब अपनी पासिंग हुक को लगाता है तब वो काम नहीं करता, 22nd सेंचुरी का गैजेट भी उसके सामने फेल था, उस सबमरीन के सामने फेल था। तो वहाँ पर वो सबमरीन का जो कांच था या फिर बाहरी पोर्शन था, और मूवी में वो किससे फूटा पता है? अरे हमारे प्यारे डोरेमोन के सर से। हमें सभी मूवीज एपिसोड में यही दिखाया जाता है कि डोरेमोन का सर बहुत बहुत मजबूत है, वो मजबूत से भी मजबूत चीज़, यहाँ तक कि लोहा भी वो अपने सर से फोड़
फोड़ सकता है, और ये सबमरीन भी तोड़ डाली उसने। और जियान ने इसमें कमेंट किया कि डोरेमोन का सर डोरेमोन की सबसे बड़ी और बहुत अच्छी गैजेट है। वाह भाई वाह, इसमें ताली तो बनती है। तो इस मूवी में हमें एक नया पैरेट रोबोट को देखने को मिला जो है क्वीज। और क्वीज ने जब अपनी पहली इस मूवी में बताई, तब उस पहली की आंसर किसने दी पता है? ऑफ कोर्स हमारे डोरेमोन ने। और जब क्वीज ने मूवी की एंड में लास्ट वाली पहली बोली, और उसका भी आंसर डोरेमोन ने ही दिया। सो आई होप आप लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे भी अच्छी लगी। और ये जो मैंने रिव्यू दी, ये आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, और इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर भी करना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। तो आज मैं चलती हूँ, मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।